सो गाइस, जब हम एक रिपोर्ट को देखते हैं उसमें कई सारी चीज़ें होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और कई बार तो हम टेस्ट करवा लेते हैं लेकिन रिपोर्ट देखने के टाइम हमें समझ नहीं आता है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम उन सभी टेस्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि शुगर की टेस्ट, लीवर की टेस्ट, किडनी की टेस्ट के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर करवाया जाता है। तो सबसे पहले है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सो ये टेस्ट बहुत ही कॉमन है, जब भी कोई बीमारी होती है डॉक्टर इसको सबसे पहले प्रेस्क्राइब करता है, क्योंकि इस टेस्ट में हम लोग हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, एजोनोफिल्स और प्लेटलेट्स को देखते हैं। सो हीमोग्लोबिन से हमें ये पता चलता है हमारे शरीर में खून कितना है, लिम्फोसाइट से हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एजोनोफिल से पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई एलर्जी तो नहीं है, और प्लेटलेट से हमें पता चलता है हमारी बॉडी में डेंगू फीवर या टाइफाइड तो नहीं है। उसके बाद है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, और हमें इसी नाम से इस टेस्ट को करवाना पड़ता है। नॉर्मली इसमें दो चीज़ें देखी जाती है, एक तो है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। सो ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो काफ़ी मोटे होते हैं यानी उसमें फैट जमी होती है, या फिर उन लोगों के लिए है जो हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बाद है LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। सो इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो नॉर्मली हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक तो है बिलिरुबिन, दूसरा है CGOT और CGPT। यदि किसी का बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो उसमें जॉन्डिस यानी पीलिया होने की संभावना होती है, और इसी तरह CGOT और CGPT से हम ये जान पाते हैं कि हमारी लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर लीवर कितना काम कर रहा है। तो इस तरह से हम LFT टेस्ट से हमारे लीवर के बारे में जान पाते हैं। उसके बाद है TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि किसी को थायराइड तो नहीं है। सो थायराइड दो तरीके का होता है, एक तो हाइपोथायराइड और दूसरा है हाइपरथायराइड। जब भी किसी को हाइपोथायराइड होता है तो वेट बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को थायराइड के बारे में जानने के लिए TFT टेस्ट करवाया जाता है। सो नॉर्मली हम इस टेस्ट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू को देखते हैं, जिसका नॉर्मल वैल्यू होते हैं 0.55 से 4.78। यदि किसी में 4.78 से ऊपर होता है इसका मतलब है इस व्यक्ति में हाइपोथायराइड है। उसके बाद है शुगर की टेस्ट, यानी ऐसे व्यक्ति जिसमें डायबिटीज या शुगर होने की संभावना रहती है। सो शुगर चार तरीके का होता है, एक तो है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा है पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर, तीसरा है रेंडम ब्लड शुगर, और चौथा है HbA1c। सो फास्टिंग ब्लड शुगर में हमारे पेट यानी स्टोमक बिल्कुल खाली होना चाहिए, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर में हमें खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस टेस्ट को करवाना चाहिए। उसके बाद है रेंडम ब्लड शुगर, इस टेस्ट को हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है HbA1c, इसके द्वारा हम 3 महीने की ब्लड शुगर को एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो भी बना चुके हैं जिसमें हम नॉर्मल रेंज के बारे में भी बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसको रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि रीनल का मतलब भी किडनी होता है, ठीक है। सो इस टेस्ट के द्वारा हम जान पाते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें बेसिकली क्रिएटिनिन, यूरिया और यूरिक एसिड को देखा जाता है। सो ये तीनों हमारी बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल है जिन्हें हमारी बॉडी से किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको किडनी फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इनका अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा किडनी की खराबी होने से हमारे हाथ पैर की सूजन भी होने लगेगी। लास्ट में है यूरिन टेस्ट। देखिए, इसमें आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है और लैब टेक्नीशियन यूरिन का एनालिसिस करते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन मेनली यहाँ पर हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानते हैं जो काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन और ब्लड। यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज पाई जाती है तो ये इंडिकेशन है कि उसको डायबिटीज़ है। उसके बाद अगर यूरिन में प्रोटीन पाई जाती है तो ये किडनी की इन्फेक्शन या स्टोन होने की संभावना को दर्शाता है। उसके बाद अगर यूरिन में ब्लड देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि इसकी पेशाब की नली में डैमेज हो चुका है या फिर इसे UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसके अलावा कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जिसका पता हम टेस्ट करके जान सकते हैं। यहाँ हम लगभग मैक्सिमम टेस्ट के बारे में बता चुके हैं। यदि आपको किसी और टेस्ट के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए।